गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मनीषा। एमएमटेक क्लब में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर गुड इन दिस कोविड-19 पेंडेमिक। सीबीडीटी ने एक सर्कुलर इशू किया है 13 जुलाई को, एंड ये सर्कुलर है, ये वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है उनके लिए जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न तो फाइल किया अपना इनकम टैक्स रिटर्न, बट उन्होंने वो वेरिफिकेशन करना भूल गए या फिर किया नहीं, तो उनके लिए एक रिलैक्सेशन है। ये रिलैक्सेशन दिया गया है फ्रॉम असेसमेंट ईयर 15-16। तो असेसमेंट ईयर 15-16 से 19-20 तक का आपका कोई भी रिटर्न है इनकम टैक्स का जो आपने इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर दिया है, बट वो उसका वेरिफिकेशन नहीं किया है, जो कि ITRV फाइल करना होता है। आइदर आपको फिजिकली साइन करके भेजना होता है CPC बेंगलोर में, या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिकली वो वेरीफाई करना होता है आइदर थ्रू, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक करने के, आधार कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू, डीमेट अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। तो उसके लिए एक रिलैक्सेशन दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है बट उनका किसी भी रीजन से पेंडिंग रह गया है वेरीफाई करना वो रिटर्न। तो वो केसेस में क्या रहता है कि अगर आपने रिटर्न फाइल किया बट वेरीफाई नहीं किया तो वो नॉन फाइल्ड माना जाता है, और जो भी कंसिक्वेंसेस होते हैं नॉन फाइल का वो आप पे एप्लीकेबल होता है। तो देखते हैं ये सर्कुलर क्या है। ये वन टाइम रिलैक्सेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 15-16 टू 19-20 विच आर पेंडिंग ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ द ITRV फॉर्म एंड प्रोसेसिंग ऑफ सच रिटर्न। तो जो प्रोसेस नहीं हुआ है रिटर्न बिकॉज ऑफ कि वो वेरिफिकेशन फाइल नहीं हुआ है ITRV फाइल, तो वो उस केसेस में ये रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पे दिखा रहा है कि जो इनकम टैक्स इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करते हैं इनकम टैक्स का रिटर्न, उनको वेरीफाई करना होता है विद इन 120 डेज, 120 दिन के अंदर आपको ये इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करने के बाद वो वेरीफाई करना होता है आइदर थ्रू OTP, आधार OTP, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू, या फिर बैंक अकाउंट के थ्रू, या फिर आप डीमेट अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, बैंक ATM से के थ्रू भी आप ये वेरीफाई कर सकते हैं, और अदर ऑप्शन होता है आप अगर इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई नहीं करना चाहते तो आप फिजिकली वो साइन करके CPC बेंगलोर में भेजेंगे। देन उनके ऐसा नोटिस में आया डिपार्टमेंट के कि बहुत सारे ऐसे रिटर्न्स है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली फाइल तो किए हुए हैं बट उसका जो ITRV फॉर्म है वो वैलिडेट नहीं हुआ है, वो वेरीफाई नहीं हुआ है अभी तक। तो उस केसेस में इसके लिए इन्होंने वो टाइम एक्सटेंड कर दिया है ये वेरीफाई करने का, और जो टाइम रखा है वन टाइम रिलैक्सेशन जो दिया है उन्होंने वो उसका है डेट 30 सितंबर 2020। दैट मीन्स कि आपका 15-16 असेसमेंट ईयर से जो भी रिटर्न पेंडिंग है वेरीफाई करना वो आप वेरीफाई कर सकते हैं 30 सितंबर 2020 तक। ये सारे टैक्स पेयर्स के लिए एप्लीकेबल है। कुछ केसेस में जिसके लिए ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया है तो वो केसेस में नहीं है एप्लीकेबल, बाकी जो भी है टैक्स पेयर्स वो सब ये वेरीफाई कर सकते हैं ये डेट के अंदर। दूसरा ये बोल रहे कि जो प्रोसेसिंग का टाइम पीरियड होता है, रिटर्न प्रोसेसिंग का टाइम पीरियड होता है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसका टाइम भी एक्सटेंड किया गया है 30 सितंबर तक ये वेरीफाई करने का टाइम है, तो 31 दिसंबर 2020 तक का प्रोसेसिंग का टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है जो कि डिपार्टमेंट करेंगे, और जो भी प्रोसेसिंग होएगा उसके अकॉर्डिंगली आपको इंटीमेशन देंगे वो डेट के बाद या विद इन दैट डेट। दूसरा जिनका रिफंड है, रिफंड आने का था तो क्योंकि रिटर्न प्रोसेस ही नहीं हुआ, आपने फाइल अगर नहीं किया ITRV तो वो केसेस में रिटर्न आपका प्रोसेस नहीं हुआ रहेगा, तो ये डिपार्टमेंट ये भी बोल रहे हैं कि जो रिटर्न पे रिफंड पे जो इंटरेस्ट रहता है वो अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होगा और उसके हिसाब से आपको रिफंड भी मिल जाएगा जो भी रहेगा। एंड देन यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं क्योंकि ये वन टाइम रिलैक्सेशन है तो अगर कोई भी टैक्स पेयर वेरीफाई नहीं कर पाते हैं टिल 30 सितंबर 2020 अपना रिटर्न, तो वो केसेस में उनका रिटर्न माना जाएगा कि फाइल ही नहीं हुआ है, नॉन फाइलिंग माना जाएगा, और जो भी कंसिक्वेंसेस रहेंगे नॉन फाइलिंग के वो उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। तो ये था सर्कुलर, ये गुड न्यूज है उनके लिए जिनका रिटर्न पेंडिंग है वेरीफाई करना। ये 15-16 असेसमेंट ईयर से है, डेट मीन्स कि पीरियड कवर हो गया अप्रैल 2014 के बाद का जो भी है पीरियड फिनेंशियल ईयर वो पीरियड तब तक के रिटर्न आप वेरीफाई कर सकते हैं।
थैंक यू फॉर योर टाइम. सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो.